तो आज की वीडियो में आपको डिस्क 11 की स्टोरी सुनाऊंगा कि आखिर ऐसा क्या है डिस्क 11 में, वो टूटी हुई क्यों है, उसका ओरिजिन क्या है और भी बहुत कुछ। तो देखो, माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में बहुत सी म्यूजिक डिस्क्स हैं और सभी अलग अलग तरह का सॉन्ग प्ले करती हैं। जैसे ये गाना सुनो। तो ये था हमारा C418 की कैट वाला साउंड। मैंने ऐसी नॉर्मली प्ले करने के लिए कोई भी साउंड बजा के तुम लोग को दिखा दी है। ये काफी नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंटल वाला गाना लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन इन्हीं म्यूजिक डिस्क में एक आती है डिस्क 11, जहां दूसरी तरफ बाकी म्यूजिक डिस्क कलरफुल और जॉयफुल होती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये म्यूजिक डिस्क आती है जो कि कुछ ऐसा म्यूजिक प्ले करती है। अब मैं पूरी ऑडियो फाइल तो आप लोगों को नहीं सुना सकता हूँ। अगर आप लोगों को सुनना ही है तो या तो यूट्यूब पे चले जाओ या फिर आप लोग खुद माइनक्राफ्ट में इस जो म्यूजिक डिस्क है एक बार इसे प्ले करके खुद ट्राई कर लीजिए। और मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने म्यूजिक डिस्क 11 की जो है कुछ सेगमेंट्स निकाल के उनका पूरा ब्रेक डाउन किया है आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो और तुम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर इस डिस्क की क्या स्टोरी है। तो हमें डिस्क की स्टार्टिंग में एक प्लेयर के भागने की आवाज़ आती है और बैकग्राउंड में काफी एम्बियंस और डार्क म्यूजिक सुनने को मिलता है और फिर वो प्लेयर हाफने लग जाता है। और एक और चीज नोटिस करने वाली ये है कि जो प्लेयर है उसके फुटस्टेप्स की जो आवाज है उसे सुन के ऐसा लग रहा है जैसे वो स्टोन पे चल रहा हो या भाग रहा हो। अब इसका मतलब ये है कि उस वक्त वो प्लेयर किसी केव में है और माइनिंग करने के लिए आया होगा वो। अब इसमें तुम्हें क्लिकिंग साउंड आ रही होगी और थोड़ी देर में कोई खांसने भी लग जाता है। अब यहाँ पे कई अजम्पशंस हो सकती हैं इस पार्ट को लेकर, पर सबसे एक्यूरेट अजम्पशन यही कहना होगा कि उस प्लेयर ने फ्लिंट एंड स्टील को यूज़ किया है जिससे वो फायर जलाता है और फायर के धुएं से उसे खांसी आई। अब लगता है कि जो हमारा प्लेयर था उसे फ्लिंट एंड स्टील जलाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के वो डर जाता है और भागने लग जाता है। अब वो प्लेयर कौन है, वीडियो देखते रहो भाई, सब पता चलेगा। और इसी वक्त एकदम से जो एम्बियंस आ रहा है बैकग्राउंड में वो लाउड हो जाता है, मतलब कुछ तो होने वाला है वीडियो में और काफी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे उस प्लेयर का तुरंत फिर से कोई पीछा करने लग जाता है और हमें डर्ट और ग्रेवल की नॉइजेस भी सुनने को मिलती हैं। और ये सबसे ज्यादा क्रीपी पार्ट है डिस्क 11 का, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट वाली स्क्रीम की वजह से जो तुमने अभी सुनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये आवाज लास्ट में थी किसकी। अब यहाँ पर एक चीज तो तय है कि जिस किसी की भी स्क्रीम थी वो ही इस पूरी म्यूजिक डिस्क का जो ऑडियो है उसका एंटागोनिस्ट है, मतलब विलन है मेन, और यही वो है जिससे हमारा प्लेयर डर के भाग रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं कि वो क्रिएचर कौन हो सकता है, क्या वो एक वुल्फ था या हीरोब्राइन या फिर वो एक एंडरमैन है। अब इसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वुल्फ की। अब यहाँ पे वुल्फ इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि म्यूजिक डिस्क को 2010 में ऐड किया गया था और वुल्फ काफी देर बाद आए थे गेम में। अब रही बात हीरोब्राइन की, तो हीरोब्राइन की भी साइटिंग 2011 में हुई थी डिस्क 11 को ऐड करने के एक साल बाद, और ऊपर से हीरोब्राइन को मोजैंग ने नहीं बनाया है और वो सिर्फ एक मिथ है और वो रियल भी नहीं है। और तुम में से जो भी लोग कह रहे हैं कि वो रियल है वो आओ मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, भाई तुम्हें खुली छूट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और मुझे मीडिया वाले चैनल के अंदर स्क्रीनशॉट या वीडियो भेजो, आई चैलेंज यू। और अब लास्ट में आता है एंडमैन, तो जी हाँ वो क्रिएचर एंडमैन ही है। आई मीन जस्ट हियर दिस। अब क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है तो चलते हैं कंक्लूजन पे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि डिस्क 13 पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के 600 लाइक्स कंप्लीट होने के बाद। तो एक प्लेयर केव में माइनिंग करने गया था और बीच में वो फ्लिंट एंड स्टील का यूज करता है, और इस ऑडियो फाइल का डायरेक्टर खुद एक एंडरमैन है क्योंकि जैसे वो ब्लॉक्स पकड़ सकते हैं वैसे ही मे बी उसने म्यूजिक डिस्क पकड़ रखी हो। और फिर वो एंडरमैन उस प्लेयर को चेस करने लग जाता है, लेकिन वो प्लेयर उस एंडरमैन को मार देता है जिससे उसकी डिस्क में क्रैक आ जाता है और वो लास्ट की स्क्रीम एंडरमैन की ही थी।
अब माइनक्राफ्ट की ऐसी और अनसॉल्व मिस्ट्रीज देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और माइनक्राफ्ट में स्टीव के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए राइट वाली। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ डेली बेसिस पे, और तुम उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे, नोटिफाइड रहना चाहोगे। इसलिए ठीक है, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।